सा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, ब्रेस के आगे भी नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। ये देख तेरे भाई ने घड़ी ली है नई, वो भी पूरे 1,00,000 रुपए की। ऐसा क्या है भाई इसमें? अरे बाबा इतनी महंगी घड़ी, इतनी फजूल खर्ची बाबा, 1,00,000 रुपए की। अरे भाई बहुत खास घड़ी है ये। क्यों बाबा, ये बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल देती है क्या? अबे बावले, 1,00,000 की घड़ी जो खरीदेगा उसमें वैसे भी कौन सा बुरा वक्त होगा। हाँ बाबा ये तो मैंने सोचा ही नहीं है, लेकिन मेरे नजदीक ना बाबा टाइम तो वही बताएगी जो मेरी वाली घड़ी बताएगी। अबे यार छोड़ रहे हैं दे, तुझे नहीं समझ आएगी। सर अगर आपकी इजाजत हो तो उठा लूं ये। हाँ बाबा उठा लो, सबने पी लिया है ना बाबा। ये बहुत गर्म कर दी यार तुमने तो। बाबा क्या टाइम क्या हुआ है बाबा बताओ। अरे भाई 2 बज रहे। अरे बाबा इतनी महंगी घड़ी पहनी है वो फिर भी मोबाइल पे देख के टाइम बताता है, इसका क्या फायदा? यार वो आदत नहीं है ना असल में इसलिए। शेर यार भाई वक्त पे दिया करो, ऑर्डर वक्त पे दिया करो। शेख साहब का फोन आ गया था मेरे पास, बेचारे बड़े परेशान, क्यों नहीं पहुंचाया तुमने? क्या जाने भाई क्या करें, कुछ तबीयत भी सही नहीं चल रही, मैं क्या करूं? मुझ पे तवज्जो दियो, काम पे तुमने तवज्जो नहीं दी, शाबाश नेक्स्ट टाइम तवज्जो से काम करनी है, कोई ऐसा ना हो कि मुझे शिकायत का मौका मिले। ठीक है चल शाबाश कट ले, फटाफट काम पे तवज्जो देते। यार पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, मैं क्या। यार भैया जी जी भाई, ये गली मोहल्ला कोना खांचा कहाँ पड़ेगा? गली मोहल्ला ये आप देखिए, देख रहे हैं काम चल रहा है यहाँ खुदाई का, सीधा आपने जाना है, उल्टे हाथ पे मुड़ना है। अच्छा सीधा चलते जाएंगे वहां कोना खांचा आ जाएगा। भैया खुद ही जाना पड़ेगा या आ जाएगा? 4 मजदूर कांधे पे उठा के ले जाएंगे, खुद जाना पड़ेगा ना आपको, इतनी कीमती गाड़ी रखी भी आपने उसमें बैठ के जाए। मेहरबान कोई बात कोई बात। यार ये कौन फोन कर रहा है मुझे? यार कॉल आ गई, किसकी आ गई यार? हेलो अरे अरे भाई साहब, अरे भाई साहब हेलो, अरे भाई साहब बात तो सुनो, हेलो हेलो। अरे यार चलेगा भाई ये तो, चलो लगता है मेरे नसीब में ही है, 1,00,000 की तो होगी, चलो मैं ही पहन लेता हूँ। ओफो ये चावल है दम पे आने का नाम ही नहीं ले रहे, ऊपर से मैडम ने ऑफिस का काम भी दिया हुआ है, क्या करूं क्या करूं। आइडिया, ये किस दिन काम आएगी? 5 मिनट में घड़ी को पीछे कर लेता हूं, बहाना अच्छा मिल जाएगा। किचन में मैं, यहां मैं क्या कर रहा हूं? मैडम ने तो फाइलें दी थी मुझे। ये जरूर इस बोर्डम ने जानबूझ के ना जानी को कहीं भेजा होगा, भूख से मुझे तो लग रहा है मैं मर जाऊंगी। अल्लाह रे। नहीं नहीं जरीना, इतनी आसानी से नहीं मरोगी तुम, आखिरी राउंड की बलाओ तुम। वैसे ये जानी मर कहाँ गया है बाबा? पता नहीं बच्चू, वैसे अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। ले लीजिए मैडम आपकी फाइल। बाबा वो तो ठीक है, लेकिन तुम मर कहाँ गए थे, इतनी देर से क्यों आए हो? देर क्यों कर दी? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, देर क्यों कर दी? मैंने वाकई देर कर दी क्या? जानी पहले तुम ऑफिस से ना 1 घंटे में वापस आ जाते थे, आज पूरे 2.5 घंटे लगाए हैं तुमने। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कुछ? अरे बला तुम लोग अपनी ये इन्वेस्टमेंट करना छोड़ो ना, खाना निकालो। इन्वेस्टमेंट? अरे बाबा वो पुलिस वाले करते ना पूछताछ पाछ पूछ। ओहो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन होता है। अरे बाबा जो भी होती है, इतनी देर से इंतजार कर रहे, खाना लगाओ बाबा भूख लगी है। जान निकल जाएगी, ये नहीं कि हिल के खुद खाना निकाल लो, पता नहीं हद हो गई है। बाबा तनख्वाह काट लेते फिर तुम्हारी, ले आओ। बात करता है जबान चलाता है,
ये सब इस जोरू के गुलाम तुम्हारे इस औरत ने किया है। सब सब मैंने किया सरीना, सब मैंने किया है। यार जिसको देखो बाबा बच्चू पे इल्जाम लगाता है। खबरें भी आजकल पता नहीं अजीब सी आ रही हैं, देखने को दिल ही नहीं कर रहा। अरे बाबा जानी ये क्या है बाबा, ये क्या है? अरे ये तो कोयला खा रहे हैं आप लोग। ये कोयला नहीं है जानी, ये चावल है जो कोयला बन गए हैं। बच्चू भाई क्या तेजाबी हाथ है आपके, चावल को भी हाथ लगाया जल के कोयला हो गए। अरे जानी ये चावल जो है ना तुमने हमको ऐसे ही लाके दिए थे। मैंने मैंने कब लाके दिए? क्या हो गया जानी तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम सब कुछ भूल क्यों रहे हो? ना ना बाबा भूल नहीं रहे, बोला बन रहा है। अरे बाबा तुमने तो लाके दिए थे खाने के लिए। जब ये बोला बनता ना तो मेरे को बहुत क्यूट लगता है, लेकिन जानी मैं पहले तुमको बता दूं, भूख के मामले में ना बाबा मैं कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा मैंने कब आप लोगों को खाना दिया। कहीं जानी की याददाश्त तो नहीं जा रही? जानी मैंने तुम्हें आज कहाँ भेजा था? अरे मैडम कैसे सवाल कर रही, ऑफिस भेजा था फाइल्स के लिए। और हमारा ऑफिस कहाँ? मैडम कैसी बातें कर रही, आपको लग रहा है कि मेरी याददाश्त गुम हुई है? मुझे तो ऐसा लगता है मसला आप लोगों के साथ है। हाँ मुझे याद आया खाना मैंने बनाया था लेकिन मैंने दिया नहीं था। एक काम करें आप लोग बैठे मैं लेके आता हूँ। कोई ना कोई मसला जरूर है इस जाने के साथ। बाबा कोई मसला है बाबा, देखना पड़ेगा चक्कर क्या है। इसकी याददाश्त चलेगी तो मुझे तो बहुत दुख होगा। पतीली तो खाली है और ये कोयला किसने भून दिया? अरे ये तो वही जले हुए चावल लग रहे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा? जानी क्या हुआ? देखा क्या, क्या क्या देखा? अरे बाबा तुमने अभी तो हमें खाना दिया है वो भी जला हुआ है। मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। क्या हो गया जानी? याद करो ऑफिस से फाइल्स लाने के बाद तुम टेबल पर खाना लेकर आए थे। मुझे याद आया फाइल में लाया था लेकिन दी नहीं थी। एक मिनट आप लोग यही रुके मैं फाइल लेके आता हूँ। जानी फल्ला क्या मुसीबत है? अरे बाबा अब क्या हुआ, उसको याद तो आ गया, वो फाइल लेने गया है ना। अरे बच्चू आपको क्या हो गया? याद नहीं वो टेबल पर लेकर आया था फाइल और मुझे दे दी थी उसने। क्या देखा नहीं था बच्चू? आपको भी कुछ हो गया क्या? अरे नहीं बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जानी की जो इस वक्त हालत है ना वो तश्वीश हो रही है मुझे बाबा। चलो देखते हैं। चलो चल के देखते हैं। कहाँ गई फाइल? नहीं तो रखी थी, कहाँ चली? देखो अरे मुझे याद आया फाइल तो मैंने बेगम साहबा को, फाइल तो मैंने मैडम को खाने के टेबल पे ही दे दी थी। अरे बाबा जानी जानी ये रही फाइल। हाँ हाँ मुझे मालूम है, मैंने ये खाने की टेबल पे दी थी आपको। क्या बकवास कर रहे हो जानी, अभी तो तुमने मुझे कहा कि तुमने मुझे फाइल नहीं दी। कब कहा था? अरे बाबा अभी किचन में कहा है बाबा। हाँ भाई मैं किचन में कब था? अरे बाबा ये मेरे हाथ से कत्ल हो जाएगा। देखो जानी ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, हद होती किसी चीज की। तुम्हारी वजह से हमने खाना तक नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, तुम्हें हमारा एहसास है भी या नहीं? अरे मैडम एहसास की बात तो आप करें ही ना, मुझ गरीब पे आप तोहमत लगा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं दोबारा बना लेता हूँ बस खुश। अरे बाबा दोबारा का लफ्ज कह के हम पे एहसान जता रहे हो, ये बोलो अब सही तरीके से अच्छा खाना खिलाता हूँ, जला हुआ खाना खिलाया था तुमने। अच्छा भाई बेफिक्र होके आराम से बैठे, कोई टेंशन ना ले, मैं फिट किस्म के आपके लिए ना कोयला कढ़ाई बना के लाता हूँ। अरे बाबा ये फिर से कोयला डाल के ला देगा बाबा। अरे बच्चू क्या हो गया आपको, वो कोयला कढ़ाई बना रहा है उसमें कोयला नहीं होगा। बाबा ये क्या बात कर दी आपने, ये तो वही बात हो गई कि आलू गोश्त बनाया तो उसमें आलू गोश्त नहीं होगा, चिकन कढ़ाई बनाई तो उसमें चिकन नहीं होगी। मैं समझ गई जानी, कढ़ाई में कोयला जरूर डालना। अरे बाबा क्या बात कर रही हो, कोयला जरूर नहीं जानी, बाबा खाली कढ़ाई खिला दो। मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने क्यों तुम्हें फोन किया था। चलो जब फोन मिला ही लिया है और सुनाओ क्या हाल है, भाभी के क्या हाल चाल है? मेरे मुंह स्लिप हो गया, भाभी तुम्हारे क्या हाल है? ठीक हो? अरे इसको देखो हमें भूखा मार के तुम यहाँ फोन पे लगे हुए हो। बाबा फोन बंद करो। अच्छा एक काम करो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। क्या है क्या क्या मसला है? हम यहाँ भूख से मर रहे हैं और तुम यहाँ बैठ के फोन पे छोकरियों से बातें कर रहे हो। छोकरी ये मखलूक तो उस दिन से मेरी जिंदगी से चली गई थी जिस दिन से मैं तुमसे मिला हूँ, और इस घर में आकर छोकरी तो दूर की बात, मैं तो बस टोकरियों में लगा हुआ हूँ। अरे बाबा बकवास बंद करो, तुम हमारे लिए खाना बनाने जा रहे थे। खाना? मैं कब बना रहा था और कितना खाओगे भाई? अरे जानी क्या हो गया, अभी तो तुम लाउंज में कहकर आए थे कि मैं आप लोगों के लिए कोयला कड़े बना के लाता हूँ। लाउंज में?
मैं कब गया लाउंज में और कब कहा मैंने? अरे बाबा ये पिटेगा मेरे हाथ से। अब बच्चों हौसला हौसला। अदा सोच समझ के अगर इसको कुछ हो गया तो मैं। क्या मतलब है बाबा तेरा? अब मतलब ये कि बाबा मैं भूखी मर जाऊंगी ना। अरे वो तो हम सब वैसे मर जाएंगे। जानी तुम जाओ अंदर और जल्दी से आके खाना बनाओ, और कोई कोयला कढ़ाई बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चिकन कढ़ाई बना देना, समझे? उठो बाबा उठो, जाओ। उठ तो रहा हूँ और क्या करूँ। जाओ। बच्चू मुझे लगता है जानी की याददाश्त के साथ कोई मसला है। अरे बाबा कहाँ है याददाश्त का मसला बाबा, सब तो याद है उसे। हाँ लेकिन मैंने नोट किया कि उसे कुछ देर बाद याद आता है सब कुछ। अरे भला मसला क्या है, चलो खुद ही चल के देख लेते हैं। चलो बाबा चलो चलो। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जानी प्लीज कोशिश करो। अरे भाई मुझे जाना है, मुझे जाने दे आप। अरे कहाँ जाना है? अरे आप लोग भूख से पागल हो रहे होंगे, सोच रहा हूँ कोयला कढ़ाई बना लूँ आप लोगों के लिए। नहीं जानी, मैंने तुम्हें मना किया था ना। क्या अजीब बात है, अभी थोड़ी देर पहले भूख से तिलमिला रहे थे। और सीमा मैडम आपके इतने एहसानात मुझ पर है, बोले तो मैं खुद पागल खाने में जमा हो जाता हूँ, लेकिन इस तरह मुझे पागल मत बनाए, अच्छी बात थोड़ी है। नहीं जानी याद करो, बाहर गार्डन में मैंने तुम्हें मना किया था कि कोयला कढ़ाई नहीं बनानी, सिर्फ चिकन कढ़ाई बना दो। मैंने कब कहा था और मैं कब गार्डन में था? अरे बाबा अभी तुम थोड़ी देर पहले गार्डन में नहीं थे? नहीं किस टाइम? अरे बाबा अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 6:06। हाँ बाबा बज रहे हैं, अपनी घड़ी में देखो क्या बज रहा है। हाँ इसमें 5 मिनट पीछे है घड़ी मेरी। तो तुम फौरन पहले 6 बजा लो अपनी घड़ी पे। हाँ मैं क्या करता हूँ, सही करता हूँ। ये बच्चू भाई सीमा मैम आवाज सुनी घंटे की? लो बाबा घंटे की आवाज। हाँ बाबा सुन ली, अब देखो नया ड्रामा कर रहा है। जाओ बाबा जाओ काम करो जाके बाबा, ड्रामे नहीं खत्म हो रहे तुम्हारे, ड्रामे शुरू हो गए इसके बाबा। घंटे की आवाज बहुत तंग कर रहे जानी तुम आज। इसने हमारे घंटे बजा दिए बाबा सारे। गर्मी की वजह से मेरे को लग रहा है कि ये चक्कर आ रहे होंगे तो इसलिए ऐसा कर रहा है। जानी तुम ठीक तो हो ना? मैडम मुझे लगता है इस घड़ी में कुछ खास बात है। अरे बाबा इसने फिर ड्रामा शुरू कर दिया है। बच्चू भाई मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, ये घड़ी मुझे बाहर से पड़ी हुई मिली है और मैंने ना किसी वजह से 5 मिनट इस घड़ी को पीछे किया, बस उसके बाद से मुझे पिछले 5 मिनट की हर बात मैं भूल रहा हूँ। जाने ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में ना 5 मिनट पहले आ गई, वरना तुम मुझे भी भूल जाते। अरे बाबा जरीना नौकर को तो बख्श दे बाबा। नौकर नहीं हूँ, मैनेजर हूँ मैं। अरे बाबा मैनेजर को उर्दू में नौकरी बोलते हैं, सेठ लोगों के नौकरी होते हैं। अच्छा अच्छा अब ये सब बातें छोड़ो, अब बताओ अब तो सब कुछ ठीक है ना? जी जी मैडम, जब से टाइम ठीक किया ना सब कुछ नॉर्मल हो गया। वैसे बाबा मेरे को तो लगता है कि ये कोई जादू वाली घड़ी है। जानी बाबा फौरन ये घड़ी मुझे उतार कर दे तो बाबा। लाओ। बच्चों क्या हो गया आपको, होश में तो है? अरे बाबा मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, मैं भी थोड़ा टशन वशन मारूंगा। बच्चों कोई टशन मारने की जरूरत नहीं है, जाने ये घड़ी मुझे दो फौरन। लो भला भेस गई पानी में, अब तुम क्या करोगी उस घड़ी का? वैसे ही तुमने अदा को जादू करके ना काबू में किया हुआ है। मैंने कोई जादू नहीं किया। हाँ हाँ वो तो तुमने चलाकी से किया है, अब उस जादू वाली घड़ी से भला क्या मेरे को काबू करना चाहती हो? मुझे जानवर पालने का कोई शौक नहीं, इसलिए जैसे इसे टच में जाता है तुम्हारी शक्ल बन जाती है। बच्चू समझा लो इसे, मेरे मुंह ना लगे। मेरे को भी ना तुम्हारे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को तजाब कुलिया करनी पड़ेगी, मैंने अपना इरादा पोस्टमैन कर दिया है। पोस्टमैन? अरे बाबा वो बाद में होता है ना, वो जो क्या टाल देते हैं। अच्छा पोस्टपोन्ड। देखा जानी अगर तुम मेरे मैनेजर होते ना तो तुमको इंग्लिश भी सीखने को मिलती, इस बोर्डम के साथ रह के ना तुमको खाना बनाना भी भूल गया है। सच बात तो यह है कि मैं तुम्हारे मुंह लग के ना अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। जानी वो घड़ी फौरन मुझे दो, या तो उसको कचरे में फेंक दो, ऐसी चीज अपने पास ही रखनी चाहिए। लेकिन मैडम बात ये कि अरे बाबा तुम कैसा नौकर है बाबा, मैडम तुम्हें कह रही है काम करो, तुम कर नहीं रहे, तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह कटेगी बाबा। चलो इस महीने तनख्वाह मिलेगी तो सही ना। जानी सुना नहीं तुमने, जाओ जा के कचरे में फेंक कर। अच्छा जाओ बाबा जाओ, चलो जाओ शाबाश। गरीब आदमी का वक्त तो जादू से भी नहीं बदल सकता। कुल जा भाई कुल जा।
अरे ये तो जानी वाली वही घड़ी है। बाबा मैं पहनती हूँ। अरे वाह बाबा वाह, अब मैं भी देखती इसमें होता है क्या। कोई जानी देख ना ले, छीन लेगा हर चीज में, बस ये कहता मेरा हो जाए सब कुछ। देखो तो सही भला इसमें होता है क्या। जानी ने 5 मिनट पीछे की थी और मैं 5 मिनट आगे करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। अरे बाबा जरीना, बाबा सीमा किधर है? वो आपको नहीं पता, उसकी दोस्तें आई हुई हैं। अच्छा बाबा दोस्तें आई हैं, मैं जरा सलाम दुआ करके आया। अदा तुम न जाना। अरे बाबा जरीना तुझे क्या हो गया, तू तो ऐसे रोक रही है जैसे मैं जंग पे जा रहा हूँ। बाबा जंग पे नहीं जा रहा, सीमा की दोस्तों से सलाम दुआ करने जा रहा हूँ। वो ना वो मैंने, अरे बाबा मैंने ख्वाब में देखा कि कुछ लड़कियां जो ना आपको मार रही हैं। अरे दी क्या बात करती है बाबा, मुझे औरतें क्यों मारेंगी, रुक जा बाबा मैं मिल गया था। अरे अदा मेरी बात तो सुनो। अरे अरे लाड़े मुझे बेचारो अदा, तो पिटाई हो के रही। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। मुझे तो समझ नहीं आया था इस जाहिल फैमिली में आकर तुम्हें दिखा क्या। अरे नहीं नहीं फैमिली जाहिल नहीं है, पापा जाने कोई देख लो, बेशक गांव में रहते हैं लेकिन इंतहाई समझदार और सुलझे। वैसे तो बच्चों भी दिल के बहुत अच्छे हैं। क्या फायदा, किसी महफिल में बिठाने के लाइक हैं। अभी भी वक्त है, मैं तो कहती हूँ अपनी जिंदगी का फैसला ले ले सीमा। जब तक शोहर बच्चू रहेगा वो गवार जरीना इसी घर में रहेगी। सोच ले तेरी जिंदगी। अरे बाबा एक मिनट रुको, अपनी बकवास बंद करो बाबा, मेरी बीवी को मेरे खिलाफ बरगला रही हो तुम दोनों। अरे बच्चू भाई आप। नहीं नहीं आपको गलत फहमी हुई है, हम तो किसी और की बात कर रहे थे, है ना सीमा बताओ। अरे बाबा चुप करो, मैंने अपने कानों से सुना और वीडियो भी बनाई है, ये देखो बाबा ये देखो। अच्छा तो वो ये आदमी है जो ख्वातीन की छुप छुप के वीडियोस बनाता है, इसको तो पुलिस में देना चाहिए। अरे अरे कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों की खुद जम के धुलाई करनी चाहिए। अरे बाबा हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। अरे 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 बाबा क्या कर रहे हो, बाबा नहीं मारो बचाओ। अरे बाबा ये तो सुई आगे करने से मुस्तकबिल का बता रही है, बड़ी कमाल की घड़ी है। अरे मैं देखती हूँ इस घड़ी में कि मुस्तकबिल में जानी की और मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, अभी देखती हूँ। खैर मेरे ख्याल में लगता है कि इतना काफी है। जानी ओ जानी, अरे भाई जरीना बुलाया हमको। अरे बुढ़े तुम कौन हो और मेरे कमरे में ऐसे कैसे चले आ रहे हो। हाँ बताओ बाला, हमें भूल नहीं घूम रही ना, हम तुम्हारे खादिम तुम्हारे नौकर जानी के। अरे बाबा मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा मुस्तकबिल में चली। अच्छा चलो ठीक है तुम जाओ। बहू इस तरह गुप्त हो, जल्दी तक सही। इतना भयाना मुस्तकबिल, ठीक करूँ इसको बाबा मैं, ये तो कुछ ज्यादा ही आगे हो गई। बड़ी घुड़ाड़े ऐसा मुस्तकबिल। अब ठीक है अब देखती हूँ कि जानी की शादी किससे होगी। जानी ओ जानी। जी जरीना बाजी बोले। अरे तुम कौन हो और जानी कहाँ है? अब तुम जानी के बेटे हो ना? क्या हो गया बाजी, मैं तो जानी हूँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं तो अभी बच्चा हूँ।
लगता है कि मैंने इनको ज्यादा पीछे कर दिया। क्या कर दिया मैंने? अरे ये मैंने क्या कर दिया? क्या हो गया जरीना बाजी? चुप करो, बड़ा जरीना बाजी का बच्चा, जाओ यहाँ से। जरीना बाजी यल्लाड़े, इसकी तो सोई टूट गई, अभी जानी बड़ा ही कैसे होगा। आटा, दाल, चावल और घी, ये चारों चीजें 1,000 रुपए के ले आओ। आ बाबा, सब्जी वाले से धनिया भी डलवा ले। धनिया के पैसे कहाँ बचेंगे बाबा? धनिया तो मुफ्त में आता है ना। धनिया हो गया बड़ा, बगैर पैसों के नहीं आता वो। तुम यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई, मैं तुम्हारे पूछने आया था। अदा, ये मेरे से भूत का पूछ रहा था। अरे बाबा, तुमने मुझे भूत कहा? अरे भाई, मैं तुम्हें भूत क्यों कहूंगा? भूत को बुरा लग गया तो? तुझे क्या तोहफा चाहिए बता। चल अब तू इतना इसरार कर रहा है तो कोई सोने की कोई चीज मिल जाए तो ठीक है। अभी ले, ये ले सोने की गोलियां, 2 गोलियां खा ले, 3 दिन तक सोता रहेगा। इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा। अरे बाबा, हमने सेटिंग कर ली है। क्या सेटिंग? लिफाफे आएंगे ना, बस हो जाएगा। तो तुम लोगों ने खाने और केक का ऑर्डर दे दिया? वो तो कब से मैंने, और वक्त पे आ जाएंगे। बाबा एक शर्त है। क्या? ऐसा है कि जब केक कटेगा ना तो मिलकर तालियां बजाएंगे। और आप ऐसा करना अपने हाथों से मेरे को केक खिलाने का। मैं तुमसे ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। हाँ, तुम्हारा सूट अच्छा लग रहा है, तुम नहीं। मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, समझी तुम? अगर यकीन ना तो शीशे से पूछ लो। हाँ, शीशा तो हमेशा झूठ ही बोलता है। तेरी सालगिरह बच्चे की है? नहीं, मेरी जात की सालगिरह है। शर्म करो, शर्म करो, तुम्हें बच्चे की सालगिरह करनी चाहिए, अपनी कर रहे हो। भाई मेरी तो शादी भी नहीं हुई और होगी भी नहीं तेरी शादी। ये दोनों आपके फादर्स हैं? हाँ, क्यों? ये दोनों ना कब से मिलकर मुझे छेड़ रहे हैं। अरे बाबा, अब नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि बाबा मैं छेड़ूंगा। अरे शौकत भाई, बोटियां खत्म हो गई हैं। ठीक है, फिर मैं लिफाफा नहीं दूंगा। एक मिनट शौकत भाई, मैं करता हूँ। बच्चू भाई, एक मिनट, बाबा है बोटियां? नहीं है बाबा, नहीं है।